अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, ये जिसमें बताया जा रहा है कि दज्जाल इसराइल में पैदा हो चुका है और इसराइल से वो निकल चुका है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लश्कर है। तो हम आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उस वायरल पोस्ट की सच्चाई बताने वाले हैं और आपको दज्जाल के बारे में मालूमात देने वाले और साथ में आपको इस फितने में बचने के अमल के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है दज्जाल का ज़ुहूर होना। दज्जाल एक बहुत बड़ा और सबसे खतरनाक फितना है, तभी तो इसके बारे में हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहि सलातु वसलाम को पैदा किया है तब से लेकर आज तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा और अल्लाह ने आज तक जितने भी नबी बनाकर भेजे इस दुनिया में भेजे हैं सब ने अपनी अपनी कौम को अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल यकीनन तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। इसका हवाला है इब्ने माजा और अबू दाऊद शरीफ। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह है कि दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है और इस दुनिया में ये ज़रूर आएगा। प्यारे दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसमें एक वीडियो दिखाया जा रहा है और उसके साथ साथ में ये लिखा हुआ है कि कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इसराइल में दज्जाल पैदा हो चुका है जिसकी एक आंख होगी। अब इसराइल में ये बच्चा पैदा हो चुका है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, सच्ची और पक्की तौबा नसीब फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ उस वायरल पोस्ट में लिखा हुआ था और उस वीडियो में उस बच्चे का वीडियो भी दिखाया जा रहा था जिसके माथे पर एक आंख दिखाई जा रही है, जिसको देखकर लोग हैरान हो रहे हैं और खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या माजरा है। प्यारे दोस्तों, एक बार तो इस वीडियो को देखकर मैं भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा हो गया है, मगर फिर मैंने इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वीडियो बहुत पुराना है और ये एक आंख वाले बच्चे का वीडियो 2013 से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल इस बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसी बीमारी में बच्चे के चेहरे पर एक आंख होती है। डॉक्टर के मुताबिक ये बीमारी तब होती है जब बच्चा माँ की कोख में होता है, इनका दिल भी सही आकार में नहीं होता। इस बीमारी के पैदा होते हुए बच्चे ज्यादा दिन नहीं जी पाते और पैदा होने के कुछ दिनों बाद वो मर जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखकर लोग इसलिए भी हैरान हो रहे थे क्योंकि आपको मालूम है कि कुरान पाक में कयामत आने की कुछ निशानियों को बताया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का आना भी बताया गया है। दज्जाल के बारे में आया है कि इमाम मेहदी के जुहूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल जाहिर होगा। ये कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह लटकी होगी, उसके बाल घुंघराले होंगे और वो काना होगा और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा। उसकी पेशानी यानी उसके माथे पे काफिर लिखा हुआ होगा जिसको हर मुसलमान बड़ी आसानी के साथ पढ़ लेगा, चाहे कोई पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो। यानी कि उस काफिर के नाम को मुसलमान आसानी से पढ़ लेगा मगर उस नाम को कोई काफिर नहीं पढ़ सकेगा। प्यारे दोस्तों, उस दज्जाल के साथ यहूदियों के 70,000 का एक लश्कर होगा, उसके हुक्म पर पूरी तरीके से मानेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी आग होगी जिसका नाम जहन्नुम रखा होगा मगर दरअसल वो जन्नत होगी, और इसमें एक बहुत बड़ा बाग जिसका नाम जन्नत रखा हुआ होगा मगर दरअसल वो जहन्नुम होगी। इसी तरह वो जन्नत और जहन्नुम को अपने साथ लेकर घूमता होगा और लोगों के सामने अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो उसको खुदा कहेगा उसको जन्नत में और जो उसको खुदा न कहेगा उसको वो अपनी जहन्नुम में डाल देगा और वो पूरी दुनिया में गश्त करेगा। वो सिर्फ 40 दिन ही इस दुनिया में रहेगा मगर उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और 3 दिन 1 हफ्ते के बराबर होंगे और बाकी के 37 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद दज्जाल पूरी दुनिया
दुनिया में कत्लो गारत करने के बाद मक्का और मदीना जाने की कोशिश करेगा, मगर अल्लाह के कुछ फरिश्ते कुछ नंगी तलवार लेकर उसकी निगहबानी करेंगे, जिसकी वजह से वो दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल न हो पाएगा। जब दज्जाल जाहिर होगा तो उस वक्त से 2 साल पहले ही इस दुनिया में अकाल पड़ जाएगा और अनाज की बेहद किल्लत होगी, मगर ये अपना जलवा दिखाने के लिए अनाज पैदा करेगा, दरख्तों में फल लगा देगा, जानवरों को मोटा ताज़ा कर देगा जिससे वो खूब दूध देने लगेंगे, मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा। प्यारे दोस्तों, उस साल अरब में 3 बड़े जलजले आएंगे। जिनका ईमान कमज़ोर होगा वो लोग मक्का और मदीना से बाहर निकल कर दज्जाल की कौम में शामिल हो जाएंगे। उसी वक्त मदीना शरीफ में एक बहुत बड़ा बुजुर्ग होगा जो दज्जाल से सवाल करने के लिए शहर से बाहर निकल जाएगा। जब उसे दज्जाल के सामने पेश किया जाएगा तो वो दज्जाल को देखकर ही कहेगा कि मैंने तुझको पहचान लिया है, तू वही है जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले दे दी थी। तो ये सुनकर दज्जाल गजबनाक हो जाएगा और उसके सर पर आरा रखकर 2 टुकड़ों में चीर देगा। फिर अपने मानने वाले लोगों से कहेगा कि आप कहो तो इसे मैं फिर से जिंदा कर दूं कि ईमान आपका और मजबूत हो जाए। प्यारे दोस्तों, फिर वो उन दोनों टुकड़ों को आपस में मिला देगा और अल्लाह की कुदरत से वो वापस से जिंदा हो जाएगा। और वो जिंदा होते ही फिर कहेगा कि यार अब तो मेरा ईमान पहले से ज्यादा पक्का हो गया है, तू मलून है। ये सुनकर दज्जाल फिर से कोशिश करेगा मगर वो इस बार उसे न मार सकेगा और आखिर में उसे जहन्नुम में डाल देगा जो कि अल्लाह की तरफ से जन्नत होगी। उसके बाद वो अपना कोई भी जलवा नहीं दिखा पाएगा और मुल्क शाम के लिए रवाना हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, उधर इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उससे जंग की तैयारी में लगे होंगे। असर की नमाज का वक्त हो जाएगा, जैसे ही जमात होगी उसी वक्त हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम इमामत कराएंगे और फिर इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम को लश्कर की कमान सौंपेंगे कि हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम फरमाएंगे कि लश्कर की कमान आप ही फरमाएं, मैं तो सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। उसके बाद हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम दज्जाल के पीछे जाएंगे। आपकी सांस में ऐसी तासीर होगी कि जंग में जो भी सामने आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसको कत्ल कर देंगे जिससे मुसलमानों को राहत मिल जाएगी। और इस तरह दज्जाल के कत्ल के बाद इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बादशाहत कायम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब आपको दज्जाल के फितने से बचने के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक कुछ अमल बताते हैं जिससे आप दज्जाल के फितने से महफूज रह सकते हैं। नंबर 1 पर आता है, हर किस्म के गुनाहों से सच्ची तौबा और अमल की पाबंदी करें। और नंबर 2, आप अल्लाह ताला पर यकीन और ताल्लुक को मजबूत करें। दीन के लिए कुर्बान होने, दीन पर मर मिटने का जज्बा आप अपने अंदर पैदा करें। और नंबर 3, आखिरी जमाने के फितनों और हादसों के बारे में जानें और इनसे बचने के लिए नबवी हिदायत सीखें और आप इन पर अमल भी करें। और नंबर 4, आप दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें फितनों से बचाए और हक की मदद के वक्त बातिल के साथ खड़े होने की बदबख्ती और इसके बवाल और अजाब से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, इन बातों पर अमल करके आप दज्जाल जैसे फितनों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितनों से महफूज रखे और दज्जाल के फितनों से बचने के लिए कुरान करीम की सूरह अलकाफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।